आज सुबह ही रक्षा मंत्री की तरफ से राज्यसभा में बाकायदा बयान दिया गया और बताया गया कि सहमति बनी है दोनों देशों के बीच डिसएंगेजमेंट को लेकर। ईस्टर्न लद्दाख जितने भी पॉइंट्स पर टकराव की स्थिति बनी हुई थी वहां पर दोनों ही देशों की सेनाएं पीछे हटेंगी। देखिए जरा इन तस्वीरों में किस तरीके से टैंक्स तक नजर आ रहे हैं पीछे हटते हुए। अप्रैल 2020 वाली जो स्थिति है उसी स्थिति पर वापस लौटेंगी दोनों देशों की सेनाएं। जो फॉरवर्ड डिप्लॉयमेंट है वो पीछे लेगा फेज्ड मैनर में। दोनों देशों में ये सहमति बनी है। देखिए किस तरीके से ये टैंक्स पीछे जाते हुए सीधे आपको लिए चलते हैं। मेरे साथ मेरे सहयोगी नीरज राजपूत इस वक्त मौजूद हैं। नीरज, जो कहा गया था आज सुबह रक्षा मंत्री की तरफ से अब वो होता हुआ नजर आ रहा है इन तस्वीरों में, चीन की सेना पीछे हटती हुई। बिल्कुल रोमाना, बिल्कुल ठीक कहा आपने। जो हम लोग ये तस्वीरें देख रहे हैं, वीडियो देख रहे हैं, ये पेंगोंग तो लेक के जो दक्षिण में जो इलाका है जिस पर सबसे पहले शुरुआत हुई है डिसएंगेजमेंट की, वहाँ की है। और चीनी हमें टैंक दिखाई दे रहे हैं, सबसे पहले शुरुआत ही चीन की तरफ से की गई। जो टैंक है उनके एक एक करके पीछे जा रहे हैं और भारतीय सेना ने भी फिर उसी के लिए को भी समझौता हो चुका है, इसीलिए भारतीय सेना ने भी अपने टैंक अब यहाँ पर हटा दिए हैं। जैसे कि हमने पहले बताया था कि सबसे पहले आर्मर्ड व्हीकल्स और आर्मर्ड टैंक जितने भी हैं, हैवी मशीनरी जो है वो पीछे जाएगी और उसके बाद भी फ्रंट लाइन ट्रूप जो है दोनों देशों की सेनाओं के पीछे पीछे चले जाएंगे। आप बता पाएंगे ये जो वीडियो हम देख रहे हैं इस वक्त ये एग्जैक्टली ईस्टर्न लद्दाख में ये कौन से पॉइंट्स की तस्वीरें सामने आ रही हैं? बिल्कुल रोमाना, ये जो तस्वीर हम लोग देख रहे हैं ये पेंगोंग तो लेक के दक्षिण में जिसको हम कैलाश हिल रेंज का एरिया बोलते हैं वहाँ की है। बहुत हद तक ये संभव है कि रेचिन्ना दर्रा की ये तस्वीरें हैं, क्योंकि रेचिन्ना दर्रा पर ही भारत के और चीन के दोनों के ही टैंक और हैवी मशीनरी वहाँ पर डिप्लॉय थी बड़ी तादाद में, वहीं की ये तस्वीर है, वहीं से पीछे ये हट रहे हैं। तो ये तस्वीरें इस वक्त आपके सामने हैं। देखिए किस तरीके से आज जो जानकारी रक्षा मंत्री की तरफ से दी गई थी कि सहमति बन गई है दोनों देशों की सेना जो पीछे हटेगी वही इन तस्वीरों में होता हुआ नजर आ रहा है, चीनी सेना पीछे हटते हुए। अप्रैल 2020 वाली जो स्थिति थी उसी पर बरकरार रहेगी दोनों सेनाओं की तैनाती, ये फैसला लिया गया है, ये सहमति बनी है और ये बड़ी जीत हिंदुस्तान की, क्योंकि भारत की तरफ से लगातार पिछले 9 महीनों से यही कहा जा रहा था कि अप्रैल 2020 वाली स्थिति ही हमें मान्य होगी। रक्षा मंत्री की तरफ से बड़ी जानकारी ये भी दी गई कि इस समझौते में भारत ने कुछ नहीं खोया, एक इंच जमीन भी हमारी हमने किसी को नहीं दी। तो चीनी सेना पीछे हटती हुई, चीनी टैंक पीछे हटते हुए और जिस तरीके से नीरज राजपूत जानकारी दे रहे हैं ये दक्षिणी जो पेंगोंग त्सो लेक है वहां की ये तस्वीरें हैं। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।